बॉक्स ऑफिस के लिहाज से 2017 बहुत अच्छा साल नहीं कहा जा सकता है। इस साल शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि जाते जाते टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई जरूर कर रही है, लेकिन ट्यूबलाइट में दर्शक उनसे निराश जरूर हुए। लेकिन रोहित शेट्टी ने इस साल गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म गोलमाल अगेन लेकर आए, जो लोगों को खूब पसंद आई। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की असफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि अक्सर ये होता है कि अगर फिल्म में बड़ा स्टार है तो उसे कॉमर्शियल फिल्म मान ली जाती है, लेकिन मैं इसे ट्यूबलाइट को कॉमर्शियल फिल्म नहीं मानता, लेकिन सलमान खान की टाइगर जिंदा है कॉमर्शियल फिल्म है। आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक सलमान खान की फिल्म में होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब हैरी मेट से जल को भी शाहरुख खान की कॉमर्शियल फिल्म की नज़र से नहीं देखता। आप इन्हें कॉमर्शियल फिल्में नहीं कह सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि कॉमर्शियल फिल्में नहीं चलेगी, लेकिन एक अच्छी कॉमर्शियल फिल्म हमेशा चलती है। रोहित शेट्टी ने इस दौरान राजकुमार हिरानी की भी काफी तारीफ की और कहा कि उनसे कंटेंट और कॉमर्शियल को मिलाकर एक शानदार फिल्म कोई और नहीं बना सकता है।